सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि जो एसएससी सीजीएल मेंस की जो तैयारी होती है, जो तैयारी मैंने करी थी, मैंने किन बुक्स को यूज़ किया था और कौन सी बेस्ट बुक्स रहती हैं मेंस की तैयारी के लिए, और कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि किन स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो किया था और किन स्ट्रेटेजीज को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाओ और अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंच पाओ। स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैं आपको उन सब बुक्स के बारे में बताऊंगा जिन बुक से मैं पढ़ा था। लोगों के मन में ये बहुत डाउट रहता है कि किन बुक से पढ़ना चाहिए। वो जनरली यही जानना चाहते हैं कि जो लोग सिलेक्टेड है वो किन बुक से पढ़े थे और किन बुक से हमें पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैं ऑल इन वेल आपको सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। कंप्लीट बता दूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करो और कितना मैक्सिमम टारगेट कर पाओ आप। जैसे मैंने भी इंग्लिश में 190 प्लस स्कोर किया था और मतलब मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो मिल गई। तो आप लोगों को भी क्या करना चाहिए जिससे आप वहां तक पहुंच पाओ। आपको वो सारी बुक्स अभी दिखाऊंगा भी जिन बुक्स से मैं पढ़ा था, उनके नाम भी बता दूंगा और सारी बुक्स भी दिखा दूंगा अभी आपको। उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी जरूर यूज करें। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स की तरह सीजीएल के लिए भी डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया जाता है और फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है। इस बैच में आपको हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर रेगुलर फ्री मॉक टेस्ट भी होते हैं। अगर आप लोग ये फ्री मॉक टेस्ट को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप मेरा अनलॉक कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके इसे अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, उनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो आज का डाउट फीचर का यूज करके। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलता है और हर चीज का आपको एक पीडीएफ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। आप लाइव क्लासेस में एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, यहाँ पर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने फ्री मिलेंगे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने और 2 साल का लेने पर पूरे 8 महीने फ्री मिलेंगे। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके एडिशनल 10% डिस्काउंट भी पा सकते हो। अनअकैडमी के सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस की बुक्स और स्ट्रेटजी की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक्स दिखा देता हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बुक्स के बारे में जानना चाहते होंगे। उसके बाद स्ट्रेटजी बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी रखनी है और इन बुक से कैसे पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की जिन बुक से मैं पढ़ा था मैं आपको उन बुक्स के बारे में बताता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ। देखो, ये बुक होती है किरण की। अब तो ये बुक काफी मोटी हो गई होगी और ज्यादा क्वेश्चंस आ गए होंगे इसमें। ये चैप्टर वाइज किरण की प्रीवियस ईयर बुक होती है, चैप्टर वाइज होती है, इसमें सारे चैप्टर्स होते हैं और अब टाइप वाइज आती है। अब तो मतलब काफी इसमें तो शायद कम क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये काफी पुरानी बुक है, अब इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं। ये मैथ्स की पहली बुक थी जिससे मैं पढ़ा था। अभी आपको सारी बुक सिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे पढ़ा था इनसे। अब सेकंड बुक की बात करें तो ये क्विकर मैथ्स विद एमटायरा, ये बुक थी, इस बुक से भी मैं पढ़ा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड बुक जिससे मैं पढ़ा था। मैथ्स की टोटल मैंने 3 ही बुक यूज करी थी। ये किरण की एडवांस मैथ्स की बुक है, ये भी चैप्टर वाइज बुक होती है। टोटल ये 3 बुक्स यूज करी थी मैंने। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी स्ट्रेटेजी और उसके बाद बात करेंगे हम इंग्लिश की। देखो, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बुक्स और बहुत ज्यादा मटेरियल के पीछे मत भागो। लिमिटेड बुक्स रखो, लिमिटेड कंटेंट रखो, उसी को बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो ताकि उसी में आपकी मास्टरी हो जाए और उसी में आप मास्टर जी बन जाओ। बहुत ज्यादा मुश्किल चीजों के पीछे मत भागो। लोगों ने ना हवा बना रखा होता है, लोग डरते हैं कि मेंस में पता नहीं क्या आएगा। मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। मोस्टली पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है, 60-70% पेपर बिल्कुल इजी रहता है, 10-20% पेपर मॉडरेट रहता है और 10% पेपर डिफिकल्ट रहता है। तो उस 10% डिफिकल्ट को स्कोर करने के चक्कर में ना बाकी इजी वाला मत खराब करो। कोशिश करो इजी और मॉडरेट पढ़ो। इजी और मॉडरेट में इतनी ज्यादा परफेक्शन कर लो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के बाद आपके जो मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे ना वो भी अपने आप निकलने लग जाएंगे। और अब मान लेते हैं एक बार को कि आप मुश्किल पे फोकस कर रहे हो। मुश्किल पे फोकस तो कर रहे हो लेकिन वहां पे भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर कुछ मुश्किल थोड़ा सा हटके या थोड़ा ट्रिकी कुछ डिफरेंट चीज आ गई ना तो हो सकता है वहां पे भी ना कर पाओ। तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि बहुत ज्यादा मुश्किल के पीछे मत भागो। मैंने भी ये गलती कुछ हद तक करी थी कि मैं मुश्किल के पीछे भागा था, लेकिन मैं बाद में संभल गया था और इस संभलने की वजह से ही मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया। अगर मैं नहीं संभलता तो मैं शायद इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। तो भाई, आप लोग भी ज्यादा मुश्किल के पीछे मत भागो, इजी टू मॉडरेट पढ़ो। अब जो आप लोगों को ये 3 बुक्स दिखाई है ना,
इन तीन बुक से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, कोशिश करो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी प्रैक्टिस करो, बार बार लगाते रहो किताब को। एक बार किताब खत्म करी चैप्टर उठाओ, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज उठाया, पहले परसेंटेज को जो आपको किरण चैप्टर वाइज दिखाई है वहां से करो, फिर एमटायर से करो। एडवांस में तो परसेंटेज मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो एडवांस का चैप्टर है ही नहीं। ऐसे ही हर चैप्टर को आपने इन सब बुक से करना है। जब इन सब बुक से कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करना है आपको, जिन क्वेश्चन में आपको डाउट आए थे पहली बार करते हो, जब भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना उसको सर्कल बना दो या स्टार बना दो, रेड पेन से, ग्रीन पेन से, किसी भी अलग कलर के पेन से स्टार बना दो, ताकि उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट टाइम आपने ज्यादा फोकस करना है। अब जब आप सेकंड टाइम कर रहे हो, सेकंड टाइम भी कुछ क्वेश्चंस होंगे उनमें से जो सेकंड टाइम भी आपको दिक्कत आ रही है उस पर फिर से किसी अलग कलर से स्टार बना दो। तो इससे क्या होगा, जब आप एंड में जब अपनी दो तीन बार पढ़ने के बाद जब रिवाइज कर रहे होगे ना, तो रिविजन में आपको बहुत हेल्प मिल पाएगी। जो वो स्टार वाले क्वेश्चन है जो आपने दो अलग अलग कलर से आपने स्टार कर रखे थे उनको आपको ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जो इजी थे वो तो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जो क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करते हो, तैयारी करते हो, पहली बारी में या दूसरी बारी में सॉल्व हो रहे हैं, वो आपसे एग्जाम में भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन दूसरी बारी में भी सॉल्व नहीं हो पा रहे, दूसरी बारी में भी दिक्कत आ रही है, एग्जाम में भी हो सकता है उन्हीं क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, तो उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, उनको बार बार पढ़ते रहो। कोशिश करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रिक्स से सॉल्व करो, शॉर्टकट मेथड सीखो, ताकि बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना हो। वहां पर मेन गेम होती है समय की, आपको समय बचाना होता है। और कोशिश करो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा पाओ, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और मैथ्स में सारी गेम ही प्रैक्टिस की है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना कॉन्फिडेंस और उतना आपका माइंड खुलेगा और उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो कुल मिलाकर अगर मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो बहुत ज्यादा मुश्किल के पीछे नहीं भागना, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो आपको बुक्स बताई है, ये बुक्स या जो भी बुक्स आपको पसंद हो, ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि मैं इनसे पढ़ा था, इन बुक्स से बार बार रिवाइज करते रहना है, घबराना नहीं है। जिस क्वेश्चन में दिक्कत है उसको स्टार बना लो, सर्कल बना लो, ताकि रिवीजन में दिक्कत ना आए और बार बार रिवाइज कर पाओ। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी मैंने तीन ही बुक्स रखी थी, जैसे मैथ्स में तीन बुक्स रखी थी ऐसे इंग्लिश में तीन बुक्स रखी थी। अब इंग्लिश की जो सबसे पहली बुक थी, नीतू सिंह मैम की बुक आती है वॉल्यूम वन बुक, पहले उस बुक का कुछ और नाम था, अब शायद उस बुक का नाम है वॉल्यूम वन। मैं वो बुक आपको भी करंटली दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरी उस बुक का जो कवर है ना वो फट गया है। एक्चुअल में मैं बहुत पढ़ा था इन बुक से, और ऐसा नहीं है कि मैं नई बुक्स नहीं ले सकता, मैं नई बुक्स भी ले सकता हूँ, लेकिन एक अटैचमेंट हो जाती है मुझे इन बुक्स से, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि मैं बहुत संभाल के रखता हूँ अभी भी इन बुक्स को। और अगर कोई मुझसे मांगता है ना तो मैं ये वाली बुक्स कभी किसी को नहीं देता। अगर मुझे लगता है कि कोई नीडी है कुछ है तो मैं भी, मैं कई बार नई बुक परचेज करके फिर भी दे देता हूँ, लेकिन ये जो मेरी बुक्स हैं जिनसे मैं पढ़ाऊँ ये मैं कभी नहीं देता, इनको मैं संभाल के रखता हूँ। तो वो बुक नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे मैं पढ़ा था ग्रामर वगैरह और बहुत अच्छी है, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं आने वाली इसमें। और वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख ही सकते हो, हम आपको सारे ट्रिक्स वगैरह से पढ़ाते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगी। उस बुक को बार बार पढ़ते रहना, आपको जितने भी चैप्टर्स हैं आपको ये नहीं है कि एक बार बुक खत्म तो खत्म, नहीं, बुक पढ़ो बार बार पढ़ते रहो। हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज होंगी वो सॉल्व करो, एक बार बुक खत्म हो गई फिर लगा लो, फिर खत्म हो गई फिर लगा लो, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वहाँ पर भी मार्क कर लो ताकि रिविजन में आपको ईजी रहे, और जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार रिवाइज करो इस बुक को। अब आपको दिखाता हूँ सेकेंड बुक। ये सेकेंड बुक थी जिससे मैं पढ़ा था, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। इस बुक में और उस बुक में काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सेम थी, लेकिन फिर भी कई बार कुछ चीज़ें डिफरेंट मिल जाती थी। तो ये बुक पढ़ने में आपका ज़्यादा समय लगेगा नहीं क्योंकि वहाँ से तो आप पढ़ ही चुके हो, तो ये एक किस्म से आपकी रिवीजन हो रही है वो वाली, प्लस कई बार कुछ चीज़ें नई भी मिल जाती थी, तो इसलिए ये बुक भी मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी। इसके बाद अगर नेक्स्ट बुक की बात करें तो नेक्स्ट बुक है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू दोनों बुक से पढ़ा हूं मैं। देखो ये है प्लेटफॉर्म इंग्लिश के लिए, इसमें आपको ना प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं इसमें, प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, यानी कि ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इंग्लिश में भी गेम प्रैक्टिस का ही है, इंग्लिश को निग्लेक्ट मत करो। ये तो थी बुक्स। अब अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ इंग्लिश के लिए, तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इंग्लिश को निग्लेक्ट मत करो। लोग मैथ्स को ज़्यादा समय देते हैं, इंग्लिश को निग्लेक्ट कर देते हैं। भाई इंग्लिश भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी मैथ्स है। मेंस में दोनों ही सब्जेक्ट 200-200 नंबर के आते हैं, और इंग्लिश स्कोरिंग भी होती है, और इंग्लिश गेम चेंजर बन सकती है। तो प्रैक्टिस करो, वही मॉक टेस्ट लगाओ जितने मॉक टेस्ट हो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इसमें, तो जितनी नई चीज़ें देखोगे, जितने नए सेंटेंसेस पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, क्लोज टेस्ट वगैरह सब इंप्रूव होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी। और वोकैब जो लोगों को तंग करती है, वोकैब कोशिश करो ट्रिक से पढ़ो, ट्रिक से जैसे डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो। जैसे वोकैब प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको ट्रिक से पढ़ी हुई सारी चीज़ें मिलेंगी कि भाई हमें कैसे पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ता था, मैं छोटी छोटी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ता था, तो आप लोग वो सब चीज़ें देख सकते हो। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इंग्लिश के लिए भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा आसान होता नहीं है, क्योंकि जो रूल्स होंगे वो रूल्स तो वही रहेंगे,
प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस करो, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर पर फोकस करो। जनरली वो कैप के वर्ड्स प्रीवियस ईयर वाले ही रिपीट हो जाते हैं, और पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें एक्सपीरियंस तो इंग्लिश आजकल बहुत ईजी आ रही है और मोस्टली प्रीवियस ईयर वर्ड्स ही रिपीट हो जाते हैं। और ग्रामर के रूल्स अगर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं और आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। मेंस के लिए एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्लस वो कैप तो मैंने आपको बताई है, वो कैप आपकी हर जगह यूज होगी, क्लॉज टेस्ट में भी, रीडिंग कॉम्बिनेशन में भी, हर जगह वो कैप का गेम है। तो वो कैप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, और जितने ज्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाओ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप लोग वहां पर पूछ सकते हो। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में।